स्कूल की याद आ गई. हमेशा आपकी कोई भी एक्टिविटी तीन स्टेप्स में होगी. पहली चीज होगी ब्रीफिंग. व्हाट वुड बी द ब्रीफिंग? द इंस्ट्रक्शंस, द इंट्रोडक्शन, द टॉपिक और द ऑब्जेक्टिव. वो एक्टिविटी क्यों की जा रही है, ठीक है? फिर आपका कंटेंट होता है जो आपकी एक्टिविटी असल में होती है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं, दैट इज़ द डीब्रीफ. कि एक्टिविटी के बाद आपने दो चीज़ें करनी है. एक तो ये दैट यू हैव टू टेक फीडबैक कि आपने क्या सीखा, एंड सेकेंडली यू हैव टू थ्रो क्वेश्चंस एंड यू हैव टू ट्रिगर अ डिस्कशन, बेशक एक मिनट की. रिमेंबर हम लोगों ने जब वो कल एक्शंस वाला आइस ब्रेकर किया था, इट वॉज जस्ट एन आइस ब्रेकर, बट इवन दैट वन थिंग कुड टीच यू सो मेनी थिंग्स. और इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपकी खुद से ही इतनी वो सोच वसी है कि यू सेड कि नहीं नहीं वी डिड लर्न फ्रॉम इट ऑल्सो. डीब्रीफिंग इज सबसे इम्पॉर्टेंट. जस्ट इमेजिन मैं यहाँ पे आपसे आपको एक कोई बात बताऊँ और फिर आई जस्ट वॉक आउट ऑफ दिस रूम ऐसे, तो मेरी पूरी बात का जो एक क्रक्स है वो सारा पानी में चला जाएगा, बिकॉज उसकी क्लोजिंग हमने नहीं की. एक कॉन्सेप्ट को हमने कम्प्लीट नहीं किया. सर्कल हैज़ टू कम्प्लीट, ठीक है? सो यू हैव टू कम्प्लीट इट विद डीब्रीफिंग, ठीक है? टू क्वेश्चन व्हाट डिड यू लर्न, आस्क एवरीबडी और सम पीपल डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड सिचुएशन, ठीक है? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? यस प्लीज. एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस पार्ट? ओके, इसके बारे में हम और भी आपको स्पेस देंगे टू प्रैक्टिस इट.